नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एनएचपीसी लिमिटेड की। 34 रुपए का स्टॉक है और 6.5% की बेहतरीन ग्रोथ यहां पर आई है। 25 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करें यहां पर चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट काफी गजब का है, लगातार ग्रोथ का चार्ट पैटर्न है। मैंने 14 नवंबर को भी वीडियो किया था एनएचपीसी पर, और आज देखिए तभी मैंने बोला था कि एनएचपीसी में आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है इस महीने में, और शुरुआत देखिए हफ्ते की शुरुआत से ही हो गई थी, और स्टॉक आपको काफी बढ़िया मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। एनएचपीसी ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट की है क्वार्टर टू के बाद, कंपनी की तरफ से काफी बड़ी खबरें आ रही हैं, बात करेंगे उसके बाद। और यहाँ पर साथ में ही चर्चा करेंगे ऑयल इंडिया की भी, क्योंकि तेलों का बाजार गर्म है, पेट्रोलियम प्राइसेस लगातार तेजी से बढ़े हैं, बट फिर भी ऑयल इंडिया का जो चार्ट है वो लगातार स्टैग्नेंट है जैसा आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो कितने प्रॉफिट के लिए, कितने टारगेट के लिए यहाँ पर निवेश करना चाहिए आपको, या खरीदारी करनी भी है या नहीं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी में क्वार्टर टू के अनाउंसमेंट के बाद ही यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है एक बेहतरीन रैली की। ओवरऑल खबरें काफी अच्छी है, कंपनी की तरफ से भी अनाउंसमेंट काफी बढ़िया आ रही है। सबसे पहले चर्चा करें क्वार्टर टू की, तो क्वार्टर टू के नंबर्स काफी डिपेंडेबल है यहाँ पे, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है नंबर्स, बट यस यहाँ पर इंक्रीज एक ग्रोथ देखने को मिलती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप बात करें तो 2586 करोड़ से कंपनी ने बढ़ करके 3165 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी की कंपनी है तो यहाँ पर ग्रोथ बनता भी है देखना, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इकोनॉमी है हमारी आगे की ओर बढ़ी है, काफी ग्रोथ मोमेंटम में है। पावर क्राइसिस को देखते हुए इलेक्ट्रिक यूटिलिटी वाले जो स्टॉक रहे हैं वो आगे हैं आपके काफी ज्यादा पिछले 3 महीनों में, और डिमांड के साथ साथ सप्लाई बढ़ाई गई है, प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है, तो रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ना लाजमी सी बात है। ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। साथ में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं तो 1887 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने अनाउंस करा है, 1450 करोड़ से बढ़ करके 400 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ग्रोथ है, और काफी बढ़िया ग्रोथ मैं बोलूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी इंक्रीज है, बट देन अगेन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो कंपनी स्टेबिलिटी दिखाती है यहाँ पे। और साथ में ही मार्जिन की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बढ़िया मार्जिन है, 5% का मार्जिन ग्रोथ है, बट अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 1% के आसपास का मार्जिन ग्रोथ यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल ग्रोथ है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से लेकर लास्ट ईयर से लेकर के इस ईयर में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं आए हैं। लास्ट ईयर भी आपका वही सेम आपका सिचुएशन बना था, 3 से 6 महीने का लॉकडाउन था। इस साल भी अगर आप देखें तो 3 महीने का लॉकडाउन था, कंपनी में प्रेशर था, कोयले के दाम बढ़े हैं, लगातार पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े हैं, और इसी वजह से एनएचपीसी का कॉस्ट काफी बढ़ गया है। ऐसे में भी अगर कंपनी आपको 64% का मार्जिन अनाउंस करती है तो काफी बड़ी बात हो जाती है। साथ में अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर भी काफी अच्छा है। अब जो इंपॉर्टेंट खबर आई है वो ये है कि एनएचपीसी ने अनाउंस कर दिया है एक्सपेंशन करने के लिए। एनएचपीसी यहाँ पर एक्सपेंशन में जा रही है, और अगर एक्सपेंड होती है कंपनी तो एनएचपीसी का जो शेयर प्राइस आज आपको 33 रुपए 34 रुपए का मिल रहा है वो दिन दूर नहीं है जब ये कंपनी आपको 330 रुपए में भी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, पहला टारगेट अगर आप बात करें तो पहला टारगेट ही जरा 36 रुपीज का पहला टारगेट है, जो बहुत शॉर्ट टर्म का है। अगर आप थोड़ा भी लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं तो 44 रुपीज का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेरा मतलब है कि 3 से 6 महीने का, 3 से 6 महीने अगर आप यहाँ पर रुकते हैं टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं तो 44 रुपीज आपको आते हुए दिखाई देंगे। बात करें सपोर्ट की तो कंपनी का जो पहला सपोर्ट है स्टॉक का, जो पहला सपोर्ट है 30 रुपीज के आसपास का है। 30 रुपीज का सपोर्ट लेकर के आपको स्टॉक में बने रहना है, मुझे लगता है कि स्टॉक में काफी अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। 36 का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट है जरा 44 रुपीज का है। एंड अगर आप बात करें आरएसआई की तो 77 का आरएसआई है, स्लाइटली ओवरबॉट जोन में। मैग्डी की बात करें स्लाइटली बुल रन में, स्ट्रॉन्गली बुल रन में मैं बात करूंगा यहाँ पे। एंड अगर आप हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम भी आपके अपर साइड बन रहा है, तो साफ तौर पर जो चार्ट है वो खरीदारी का चार्ट बनता है यहाँ पे। फंडामेंटल्स कंपनी के काफी अच्छे हैं, और कंपनी की अनाउंसमेंट जो हुई है एक्सपेंशन को लेकर के उसके बाद एनएचपीसी में एक बड़ी रैली की संभावना बताई जा रही है, और वो रैली आपको बहुत जल्द आती हुई दिखाई भी देगी। साथ में ही अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें एनएचपीसी में तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी में काफी भारी पैसा लगाया है एफआईआईज ने भी और म्यूचुअल फंड्स ने भी। एफआईआई ने 5% के आसपास की शेयर होल्डिंग उठाई है कंपनी में, साथ में ही म्यूचुअल फंड ने अगर आप बात करें तो 7.5% का हिस्सा जो है वो म्यूचुअल फंड के पास है। और अगर आप ये चार्ट देखते हैं तो इंक्रीजिंग टर्म्स में आपको दिखाई देता है, साफ है कि म्यूचुअल फंड पे काफी भरोसा जताया जा रहा है एनएचपीसी को लेकर के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में है, और भरोसा करना भी चाहिए जिस तरह से पावर क्राइसिस इंडिया में फेस किया है। साफ है कि यहाँ पर आने वाले 2-3 तिमाही तक तो कंपनी में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ही अगर आप बड़ी अनाउंसमेंट्स की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंशन का जो अनाउंसमेंट रहा है उसके बाद कंपनी आपको बहुत बढ़िया ट्रेड करते हुए दिखाई देगी।
ठीक है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो खबर हमारे पास और भी है, बट यहाँ पर एनएचपीसी में आप 44 रुपीज का टारगेट लेंगे, आप खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरी, और 30 रुपीज के आसपास का सपोर्ट लीजिए। बढ़िया स्टॉक आपको यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। साथ में बात करें ऑयल इंडिया की, तो ऑयल इंडिया का चार्ट भी आपको काफी बढ़िया है, एक सपोर्ट लिया है कंपनी ने। साथ में ही अगर आप बात करें फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स देखेंगे बट आप देखिए कि सपोर्ट यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ है 210 रुपए के आसपास का, और कंपनी का जो पहला टारगेट होने वाला है उसका प्रीवियस हाई है, यानी कि 260-265 रुपए के आसपास का। कंपनी यहां तक आपको जाती हुई दिखाई देगी, बट इस समय पे थोड़ा सा प्रेशर है कंपनी के ऊपर। रीजन क्या है उसका कि 65 का आपका आरएसआई है, बुल रन में कोई दो राय नहीं है। मैग्डी की बात करें, मैग्डी काफी अच्छा है, आपका हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, बट जो प्रॉब्लम आ रही है स्टॉक में ना वो ये है कि बाजार लगातार डाउन ट्रेंड में है, और जब भी बाजार डाउन ट्रेंड में होता है इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट नहीं मिलता है, तो जो इस तरह के स्टॉक होते हैं जो कमोडिटी मार्केट और कैश मार्केट दोनों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें प्रेशर ज्यादा बनता है। यही कारण है कि आप देखोगे ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, या फिर ऑयल इंडिया हो गया, इनमें लगातार प्रेशर है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, क्रूड ऑयल प्राइसेस है, वो काफी तेजी से भागे हैं। ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक हो गया, या कोल इंडिया हो गया, या बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, या फिर ओएनजीसी हो गया, इन स्टॉक्स में लगातार दबाव बना हुआ है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये कमोडिटी मार्केट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, साथ साथ कैश मार्केट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो भारतीय बाजारों में जहां कैश मार्केट में गिरावट है, इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकन बाजार की बात करें, काफी मिक्स सिग्नल वहां से आए हैं। ऐसे में ऑयल इंडिया में कोई बहुत बड़ी रैली की संभावना नहीं बन रही है। साथ में एक अच्छी खबर ये है हमारे सामने कि ऑयल इंडिया में एक अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस कर दिया है कंपनी ने, 35% का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया है। तो जब तक कि आपको यहाँ पर चार्ट आपका भागता हुआ दिखाई नहीं देता है, तब तक तो आप सपोर्ट लेकर के चलो, यहाँ पे 210 का सपोर्ट लो, और अपर साइड पे 260-265 का टारगेट लेकर के होल्ड करो स्टॉक को। अंटिल देन मैं एडवाइस यही दूंगा आपको कि ऑयल इंडिया में 35% का डिविडेंड जो 23 नवंबर को आपको खाते में दिखाई देगा आपके, उसको एंजॉय करो। यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है ऐसे समय में जब कंपनी लगातार गिरावट में रही है, और ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को रोक के रखने के लिए इससे बढ़िया टैक्टिक हो भी नहीं सकती है। यहाँ पर कंपनी लगातार बोनस में अनाउंस करती रहती है, बट इस बार इस साल कोई बोनस अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि काफी लॉकडाउन रहा, कंपनी का बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बना है, बट स्टिल डिविडेंड आपको 35% के आसपास का मिल रहा है, 3.5 रुपीज पर शेयर आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा, 35% इंटरिम डिविडेंड है ये आपका, और इसीलिए खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर है कि अगर आप कल भी बाय कर लेते हो, 23 नवंबर तक रखते हो, 24 को बेच देते हो, तो भी आपके खाते में डिविडेंड आपको मिल जाएगा। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट काफी अच्छा रहा, ग्रोथ पैटर्न बनाया है, तो अगर आप होल्ड करते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड तो भी आपको ऑयल इंडिया में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। ओवरऑल खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी सिर्फ डिविडेंड के मकसद से। अगर आप डिविडेंड चाहते हो तो खरीदारी करो और 24 अक्टूबर को निकाल देना है स्टॉक को, 24 नवंबर को सॉरी, और अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, होल्ड भी किया जा सकता है। बाजार को आपको फोकस में रखना है, बाजार अगर वॉलेटाइल होता है तो एनएचपीसी हो या फिर ऑयल इंडिया हो, दोनों में ही आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, गिरावट हो सकती है या फिर एक न्यूट्रल पैटर्न बन सकता है, उस समय में आपको होल्ड करना है बाजार में अपने स्टॉक्स को, और साथ में ही मैनेज करना है एफआईआई के डेटा को। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में बिकवाली हुई है एफआईआई की, बट पिछले दो दिनों से अगर आप देखें, 2 से 3 दिनों में एफआईआई ने खरीदारी करना शुरू किया है। हालांकि जो डेटा है वो काफी कम है कंपेयर टू डीआईआई मार्केट डेटा, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर एफआईआई थोड़ी बहुत भी खरीदारी करते हैं और बिकवाली नहीं करते हैं एटलीस्ट, तो मार्केट को थोड़ा सा बल मिलेगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ से स्टॉक जो मार्केट जो है आपका वो थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के ऊपर को निकलता हुआ दिखाई देगा। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी ऑयल इंडिया को, एनएचपीसी में खरीदारी करो, टारगेट लेकर के चलो अपना 44 रुपए का एनएचपीसी में, ऑयल इंडिया में 265 का 35% डिविडेंड अनाउंसमेंट है, उसको एंजॉय करो। अंटिल देन वीडियो खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।